એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરેટ એટલે કે ઈડીએ ગુરુવારે સાંજે દિલ્હીના એક્સાઇઝ પોલીસી કેસ સાથે સંકળાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલની ધરપકડ કરી હતી. ઈડીની ટીમ ગઈકાલે સાંજે કેજરીવાલના ઘરે પહોંચી હતી. લગભગ બે કલાકની પૂછપરછ અને તેમના નિવાસસ્થાને સર્ચ કર્યા બાદ ઈડીએ કેજરીવાલની ધરપકડ કરી હતી. પીએમએલએ કોર્ટમાં કેજરીવાલના કેસની સુનાવણી થોડા સમયમાં થશે ત્યારે ધરપકડ વિરુદ્ધ કેજરીવાલની અરજી પર પણ બપોરે 2:30 વાગ્યાની આસપાસ સુપ્રીમ કોર્ટની વિશેષ બેન્ચ સમક્ષ સુનાવણી થવાની હતી, પરંતુ કેજરીવાલે પોતાની અરજી પાછી ખેંચી દીધી છે. આપ દેખીએ, તીન બાર ચુને ગયે દિલ્હી કે મુખ્યમંત્રી, જિનકો 70 में से 67 सीटें દિલ્હી કી જનતા ને દી, उनको रात को अंधेरे में उनके घर में ईडी के लोग घुस जाएं और इस तरीके से उनको गिरफ्तार करके ले जाएं. आज ये बात सच हो गई कि अरविंद केजरीवाल जो दुनिया को और देश को कह रहे थे वो सच था. कोई सवाल जवाब नहीं थे इनके पास, इनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना था, क्योंकि सर पे आम चुनाव है. भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है मगर अंदर से घबराहट है, नर्वसनेस है, और सिर्फ ये है कि अपोजिशन की एक मजबूत आवाज जो देश के कोने कोने में जाके प्रधानमंत्री से सवाल पूछते, उसको दबाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो सरकार की बाह मुरेड़ के सुप्रीम कोर्ट ने उसकी लिस्ट डलवाई, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज हो गई कि कैसे ईडी के छापे मारे जाते थे, इनकम टैक्स के छापे मारे जाते थे, कंपनियों को इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाने पड़ते थे, जिन जिन कंपनियों को बड़े बड़े ठेके मिले उनसे करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने लिए हुए हैं. साफ साफ क्विड प्रो को पैसे दे के ठेका लेना नजर आ रहा है, उसको दबाने के लिए आनंद फानन के अंदर मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार किया. कल पूरी दिल्ली सोई नहीं, कल पूरी दुनिया के अंदर आई स्टैंड विद अरविंद केजरीवाल, स्टैंड विद केजरीवाल पूरी दुनिया में नंबर वन पे ट्रेंड कर रहा था. मैं धन्यवाद दूंगा सब अपोजिशन के लीडर्स को, चाहे वो राहुल जी हों, प्रियंका गांधी हों, अखिलेश यादव हों, एम के स्टालिन साहब हों, ममता बनर्जी हूं, शरद पवार हूं, हजारों सामाजिक कार्यकर्ता हूं, वरिष्ठ पुराने पत्रकार हूं, वेटरन जर्नलिस्ट कहा जा सकता है, बुद्धिजीवी हूं, आम जनता हो, जो प्यार उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के लिए दिखाया, मुझे लगता है कि वो उसके उदाहरण कम मिलते हैं. और ये जो केजरीवाल जी के साथ किया गया है ये पूरा का पूरा अन्याय है, और ये एक छोटी सी पार्टी को कुचलने की, दबाने की, खत्म करने की एक कोशिश है, मगर होगा नहीं. इतिहास गवाह है, जब जब आपने दमन बढ़ाया है, इनकलाब बढ़ा है. सुप्रीम कोर्ट भी गए आप लोग? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से हमें कल उम्मीद थी कि रात को सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल जी के अरेस्ट के विषय में सुनता. उनकी अरेस्ट से पहले हमने पिटिशन दायर की, हमें उम्मीद थी कि वो रात को सुनेंगे, ऐसा नहीं हुआ. अब जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो अब आगे की स्ट्रेटजी बनाएंगे, अभी तय नहीं है कि वो क्या करेंगे, ये लीगल एक्सपर्ट्स हमारे तय करेंगे. नेशन वाइड प्रोटेस्ट का भी बात कही जा रही, गोपाल जी ने ऐलान किया. देखिए, पुलिस जिस तरीके से आईटीओ हमारा जो पार्टी का ऑफिस है उसको पुलिस ने छावनी में बदल दिया है, आसपास सारे में बैरिकेडिंग कर दी है, बस ना आए इसलिए बस के जो बस रखते हैं लोग उनको धमकाया गया है, आईटीओ मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है. तो अब तानाशाही का वो आलम है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर भी सरकार अपनी पूरी चला रही है, तो काहे का इलेक्शन कमीशन है, चल तो वही रहा है जो सरकार चाह रही है, जो केंद्र चाह रहा है वो दिल्ली पुलिस कर रही है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किस चीज का है, ये तो सरकार की पूरी तानाशाही है. इसके अलावा बीजेपी जो है मुख्यमंत्री जी से रेजिग्नेशन की डिमांड कर रही है. आज बीजेपी का काला चेहरा पूरे देश के सामने है, उनकी बेशर्मी, उनका घटियापन
आज सबके सामने एक्सपोज हो गया। खुद तो ईडी के छापे मार मार के इलेक्टोरल बॉन्ड ले रहे हैं और एक ईमानदार चुने हुए कट्टर देशभक्त मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, उनको जेल में भेज के उत्सव मना रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो आज ढोल बजा रहे हैं, जो आज खुशियां मना रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि आज लोकतंत्र की तिलांजलि हो गई है, लोकतंत्र स्वाहा कर दिया है।